वर्षों में पानी, नाली का पानी हमारे घरों में जाता है। अब भी है, देखिए अब भी है। मैं आपको दिखाऊं जिस तरह से पानी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, और ये पूरी कॉलोनी है, ये मलिन बस्ती है और ये दलित बस्ती है, और देखिए किस तरह से विकास जो है वो गलियों में तैर रहा है। देखिए पानी जो है वो घरों में जाने को तैयार है। यहाँ पर देखिए बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। ये पहली बार सर, ये पहली बार तो नहीं है कि पानी भरा हो और आप जा रहे हैं? बीजेपी सरकार मार रही है, बीजेपी आई है जब तक कुछ भी विकास नहीं हुआ। कि कैसे लोग जा रहे हैं सर, घर में पानी भर गया है। बहुत स्वागत है आपका द वॉइस में। मैं हूं आपके साथ बबीता गौतम। इस वक्त मैं हूं आगरा में और ये है दक्षिणी विधानसभा, जहां से मौजूदा सरकार बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय विधायक है। बीजेपी सरकार चाहे कितने भी स्वच्छ अभियान, स्वच्छ उत्तर प्रदेश के वादे करती हो, विकास के वादे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो हम आपको द वॉइस के चैनल पर दिखाते हैं। मेरे आप सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये है विकास जो तैर रहा है, किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये मंदिर है, इस तरफ लिखा है मेरा शहर साफ हो, हम सबका साथ हो। ये नारा तो लिखा है लेकिन नारा कहाँ तक सच साबित होता है वो आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से बच्चे जो है इस पानी में, गंदे पानी में खेल रहे हैं, और ये पानी की जो निकासी है वो कहीं नहीं है। मैं यहाँ के लोगों से ही जानूंगी कि पानी की निकासी अभी नहीं है या बीजेपी के विकास में पानी की निकासी बंद हो गई है। सर आपका नाम क्या है? मनीष। सर आप मुझे बताइए कि ये पानी है ये आज ही भरा है या हमेशा भरता है? जी हमेशा भरता है मैम, हमेशा भरता है। हाँ। तो ये पानी कहाँ से आता है और इसकी निकासी कब होती है फिर? मैम जब यहाँ से पानी टंकी है, यहाँ से जे छोड़ते हैं, जब आता है पानी का निकास जे बंद कर देते हैं, जब भी जे निकल जाता है। ये बगल में मंदिर है और यहाँ पर स्वच्छ, यहाँ पे लिखा है मेरा शहर साफ हो, हम सबका विकास साथ हो, तो ये मंदिर में भी गंदा पानी जाता है और ये सामने सबके क्या है ये? फिर ये तो ऐसे ही है, जब तक ये समस्या रहेगी ऐसे ही रहेगा, मंदिर में पानी में भरेगा, सब जगह पानी भरेगा, वो तो घरों में गलियों में देखो। यहाँ पर जो मौजूदा बीजेपी की सरकार के विधायक है वो कभी इस मामले को देखने आए, कभी आपकी शिकायत सुनी इस मामले? नहीं 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 आई, कोई नहीं आया, नहीं आई। तो आप इन चीजों की शिकायत कहाँ लेकर जाते हैं फिर? अब जाते हैं मैडम किसी ना किसी पार्षद के पास जाते हैं, किसी ना किसी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुल मिला के जी कोई सुनवाई नहीं होती। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ है इसकी निकासी नहीं है? इधर ना सबों से बोलते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तमोड़ी पाड़े में। हम काफी और लोग कह चुके हैं इनसे, सब लोगों से, सुबन पार्षद जी के पास भी जाते हैं हम लोग, पर वो हाँ हाँ करके कह देते रहते हैं, टाल देते हैं हमें। तो यहाँ पर ना तो गाड़ियाँ चलती, ना नाले सफा होते हैं, ना कुछ होता है। बरसात आती है तो भी दिक्कत रहती है, हमेशा ऐसी दिक्कत रहती है, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, मतलब खास करके अपने ज्यादा मोहल्लों में कोई सुनवाई नहीं है। ये दलित मलिन, हाँ, मलिन बस्तियों में कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए पीछे आप देखिए रेल की पटरी है, पीछे से ट्रेन जा रही है, देखिए किस तरह से बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं। कोई बीमारी है क्या है? सर नीचे आइए, आप ऊपर से कह रहे हैं, आप नीचे आइए बताइए हमें। देखिए लोग जो है वो छतों पे से चिल्ला रहे कि आज तक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जो विधायक है वो यहाँ पर सुनवाई के लिए नहीं आया है। देखिए पानी जो है लगातार बढ़ रहा है, भरता जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ के पार्षद जी है शिवम सागर, वो 5 साल पहले आए थे, हाथ जोड़ के पैर छीके वोट ले गए, आज तक उन्हें देखा नहीं अभी। लेकिन सर जो मौजूदा विधायक है बीजेपी सरकार के वो यहाँ पर आए हैं? वो एक बार आए थे, वो भी पैर छूके वोट लेके, आज तक देखा नहीं। आपके पैर छूकर वोट लेकर चले गए? 10 वर्ष हो गई, आज तक योगेंद्र उपाध्याय को देखा नहीं, देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। ये जो शिकायतें हैं ये किधर जाती हैं सर? पानी की निकासी नहीं, झेल लें सब, झेल लें सब, झेल लें। तो स्वच्छ उत्तर प्रदेश, ये गली वो गली सब सब कहां है? इनसे पूछो साहब, आप मीडिया पे दिखाओ। लेकिन मीडिया पे तो जो मेन आप दिखाओ मीडिया पे साहब, जो हम जो बोलेंगे जो आप मीडिया पे आप चलाओगी नहीं। आप स्वच्छ भारत की सर नारे लिखे हैं, कुछ भी नहीं है, सब गंदा है, सब गंदे को, सब मंदिर सब गंदे, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता, कौन जाएगा गंदगी, सब पेशाब है। तो मंदिरों की राजनीति हो रही है उस पर फिर क्या बोलेंगे आप? अरे सब ढोंग लीला कर रहे हैं, सब ढोंग लीला कर रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, बस कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। सर आप ऊपर से अभी बोल रहे थे, क्या आप बोलना चाहते हैं? मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी से कोई मतलब रखता हूँ, मैं एक ड्यूटी वाला कर्मचारी हूँ।
इस एरिए में बीजेपी की जो विधायक जी हैं योगेंद्र उपाध्याय और बीजेपी का ही यहाँ पार्षद है, आज तक हमने ना पार्षद को देखा ना हमने विधायक को देखा, कभी नहीं देखा। एक ही बार देखा था 5 साल पहले जब हाथ जोड़ने आए थे, पैर छूने आए थे और अपना काम निकाल के वोट लेके चले गए, उसके बाद में मुड़के कभी नहीं देखा। ये बीजेपी की हजली पोल है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये जो उत्तर प्रदेश और स्वच्छ भारत के जो नारे हैं फिर वो कहाँ जाते हैं सर? कुछ नहीं, सब दिखावट ही है। मीडिया पोल खाना खा की बेकार की बातें करती है, हकीकत और सच्चाई होनी है उसमें, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सर यहाँ मंदिर है बगल में और बगल में ये शौचालय है, मंदिर में गंदा पानी जा रहा है और जो बीजेपी की सरकार है वो ज्यादातर मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व बढ़ावा देती है। तो सर इस तरह से गंदा पानी अगर ये मंदिरों में जा रहा है तो क्या जनता बीजेपी को वोट देगी इस बार? नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे। और जो आप हमसे ये सवाल पूछ रही है, सवाल तो आप योगेंद्र उपाध्याय जी से पूछिए, शिवम सागर जी हैं जो उनसे पूछिए कि ये कहाँ चले गई बीजेपी की सरकार जो मंदिरों का नारा दे रही है और देख लो मंदिरों का ये हाल है, ये तो आप उनसे पूछिए। चारों बस्तियां इसी पोजीशन पे हैं, आप देखिए ये चारों बस्ती इसी पोजीशन पे, हर समय पानी रहता है, हर समय पानी, नाली का पानी हमारे घरों में जाता है। अब भी है, देखिए अब भी है। मैं आपको दिखाऊं जिस तरह से पानी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और ये पूरी कॉलोनी है, ये मलिन बस्ती है और ये दलित बस्ती है और देखिए किस तरह से विकास जो है वो गलियों में तैर रहा है। देखिए पानी जो है वो घरों में जाने को तैयार है। यहाँ पर देखिए बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। ये पानी आज ही भरा है या हमेशा भरता है? हर रोज भर जाता है, हर रोज भर जाता है। तो निकलता है कैसे फिर ये? ये धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है। फिर आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? कहीं नहीं निकलते, घर में ही रहते हैं, बाहर वाले बाहर रह जाते, घर में घर में छोटे बच्चे होंगे तो ये बदबू बनी रहती है। और क्या, बच्चों की बीमारी का डर नहीं है तो क्या करें? कितना फोटो वगैरह करके भेजा है, कोई जवाब ही नहीं आता। वोट लेकर चले जाते हैं और कोई जवाब नहीं आता है। नहीं देखिए वो देखिए लड़कियां जो है गंदे पानी में से आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ और बच्चियां जो है वो पानी में से ही रास्ता बना रही हैं अपने आने का। ये देखिए सर ने जो है घर जाने के लिए अपने जूते तक उतार दिए क्योंकि उनको पता है कि ये गंदा पानी है, उनके जूतों में भर जाएगा और जूते हो जाएंगे खराब। सर अब आप ऐसे ही जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, महीनों हो गए ऐसी महीने हो गई, कई बार शिकायत करी है, क्या करें? सरकार मार रही है तो मन्ना तो है, सरकार मार रही है और कौन मार रहा है, सरकार मार रही है। ये देखिए सर जो है अपने जूते उतार चुके हैं और ये सर जा रहे हैं। सर का सीधा कहना है कि सरकार इस तरह से हमें मार रही है और ये पहली बार, सर ये पहली बार तो नहीं है कि पानी भरा हो और आप जा रहे हैं। बीजेपी सरकार मार रही है, बीजेपी आई है जब तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सर दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास, क्या कह रहे हैं वो लगा रहे हैं, उनकी सरकार है वो लगाएंगे, वो तो लगाएंगे उनकी सरकार है। ये आप देख लो ना सबूत है, मैंने तो भरा नहीं है पानी, अभी ऐसे 5 मोहल्ले और हैं उसमें, आप देखिए इधर से जाइए उधर से सब ऐसे ही पानी भरा हुआ है। सब देखिए सर ये देखिए गंदे पानी में ही जाने को मजबूर है और ये पॉश इलाका नहीं है, दलित बस्ती है। मैं आपको बता दूं ये पूरा जो मोहल्ला है वो जाटवों का है और ये देखिए सर जाने को तैयार है, देखिए कैसे लोग जा रहे हैं। सर घर में पानी भर गया है, देखिए कैसे जा रहे हैं, ये गंदा पानी है जो मैं आपको बता दूं नाली में से निकलने को, नाली से निकल के बाहर आ गया और सर जो है वो घर पहुंच चुके हैं अपने और ये गंदा पानी देखिए चप्पलें तक तैर रही है, देखिए छोटे बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े तक गीले हो गए हैं और ये गंदा पानी है कि इसमें कोई भी बीमार पड़ सकता है, बदबू बहुत तेज है मैं आपको बता दूं। और ये बच्चे देखिए किस तरह से जाने को तैयार है, देखिए चप्पल उस बच्चे की, ये है बीजेपी का विकास जो बस्तियों में है और जो दिखा रहा है। ये पहली बार तो नहीं होगा? पहली बार नहीं है, कई बार एप्लीकेशन दे चुकी है, कई बार गए लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसका। एप्लीकेशन आप हाँ, कई, कई बार कई बार विधायक जी बोल गया है, पार्षद जी भी बोल गया, कुछ हुआ नहीं है इसका। अगर कोई बच्चा इस अगर सर आप भी आ गया, कीड़े निकलते हैं। अगर इस पानी में किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम ही मरेंगे। आप लोग हम ही जिम्मेदार हैं, सरकार कहाँ जिम्मेदार? बच्चों के फोड़ा फुजी होते हैं, सरकार तो झूठी है। योगेंद्र अपनी बाप की औलाद है तो मेरे साथ चल के दिखाए, इस मोहल्ले में चल के दिखाए, मैं डेली चलता हूँ, वो एक दिन चल के दिखाए। अगर अपनी बाप की औलाद है योगेंद्र उपाध्याय, आज तक देखा नहीं वो बंदे कहाँ है। ये देखिए जो गुस्सा है लोगों का वो बीजेपी सरकार के साथ साथ विधायकों पे और बीजेपी सरकार पे बहुत गुस्सा है।
पानी यहाँ पे भरा हुआ है, बच्चे जो हैं बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कहना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ से नालियों में से कीड़े निकलते हैं, बच्चों के फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये पहली कॉलोनी नहीं है, ये पहला मोहल्ला नहीं है, इस तरह के 5 और मोहल्ले बताए जा रहे हैं जहाँ पर गंदा पानी भर जाता है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।